गाड़ी बड़ी हो या छोटी ये बात कई बार मैटर नहीं करती है, स्पेशली सेफ्टी या स्टेबिलिटी की बात करी जाए तब। और एंगल ऑफ इंपैक्ट का भी हाथ रहता है कई सारी एक्सीडेंट के वक्त। इको स्पोर्ट नेक्सॉन और बाकी भी कई सारी एसयूवीज की स्टेबिलिटी किसी सेडान के मुकाबले कम देखने को मिलेगी, ये बात सही है। और कई बार छोटी गाड़ियां भी बड़ी कार को पलटा सकती हैं। आपको रोड के हिसाब से अपनी कार की स्पीड लिमिट सेट करना ज़रूरी है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंटरसेक्शन पर होते हैं, पर इंटरसेक्शन में क्या हो सकता है वो आज का ये वीडियो आपको दिखाएगा। तो ये इस गाड़ी का पहला एक्सीडेंट भी है, क्योंकि इंडियन जीप मेरिडियन का इससे पहले कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया। एक्सीडेंट में दो बहुत अलग सेगमेंट और अलग डिजाइन की कार का एक्सीडेंट देखने को मिला। यहाँ ह्यूंडई ग्रैंड i10 और जीप मेरिडियन का एक इंटरसेक्शन पर टी बोन एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हुआ जो आपको काफी हैरान करेगा। गलतियां दोनों गाड़ियों की समझ आती है अंटिल यहाँ किसी एक ने सिग्नल ना तोड़ा हो। सीधे हाई स्पीड पर जा रही जीप मेरिडियन को साइड से ग्रैंड i10 हिट करती है, और आगे जो होता है वो काफी हैरान करता है। आगे आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ, टक्कर के बाद यहाँ मेरिडियन अनबैलेंस होकर पलट गई। गाड़ी यहाँ भले ही मेरिडियन बड़ी थी, पर टी बोन एक्सीडेंट होने की वजह से एकदम अनबैलेंस हुई और कुछ ऐसा देखने को मिला। बाकी ये बहुत बड़ा सबक है कि इंटरसेक्शन पर कम स्पीड पर ड्राइव करें। भले ही वहाँ कोई सिग्नल की लाइट हो ना हो, आपका खुद केयरफुल हो जाना ज़रूरी है जब भी इस तरह का चौराहे या टी सेक्शन देखते हैं। आपका इस एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।